हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए ये कैप लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने टीनेजर्स के लिए बेसिकली ये बनाई है कैप। आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी ये बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए नहीं बन सकती, ये सबके लिए बेसिकली यूनिवर्सल कैप है। किसी के लिए भी आप बना सकते हो, जेंट्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, टीनेजर्स के लिए भी। तो देखिए, इस तरीके से जो है ये कैप तैयार होके आई है, ऐसे दिखती हैं ये। और दोनों जो है बेसिकली ये दो पार्ट्स में बनती है, जो ये कैप है ये दो पार्ट्स में बनती है। तो चलिए बनाते हैं कि ये किस देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम बनाते हैं। अब इसमें मैंने जो है 20 फंदे डाले हैं। ये टोपी बना रहे हैं हम, इसमें 20 फंदे डाले हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं। अब देखिए कि इसे किस तरीके से बनाना है। पहला फंदा तो आप ऐसे ही उतारेंगे, हमेशा पहला फंदा आप उतार लीजिएगा। पहला फंदा उतारेंगी और यहाँ ये जो दूसरा फंदा है इसे हम ऐसे करेंगे, इसमें से इस तरीके से करेंगे और ऐसे यहाँ से उसी फंदे में से निकाल के इसे हम बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से धागा आगे करके दो उल्टे, एक और एक दो। अब देखिए, बेसिकली जो है बीच में केबल बनेगी, तो ये मैंने 12 फंदे केबल के लिए छोड़े हैं। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद बेसिकली अब ये बीच में जो है केबल बनेगी, तो 12 फंदे केबल के हैं। तो हमें ये पहले के 4 फंदे बुनने नहीं हैं। एक, धागे को पीछे कर लीजिएगा, 1 2 3 4, और अब ये 4 फंदे आप बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 फंदे जो हमने नहीं बुने हैं उन्हें आप वापस ले लीजिएगा, 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से लेके देखिए ये निकालेगा। वैसे तो पिन होल्डर से भी आप इस तरीके से कर सकती हैं, इसे ऐसे लेंगे और ये, अब ये 4 फंदे जो है हम बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 4 और 4 8 हो गए। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब धागा आगे करके दो उल्टे, 1 और 1 2। धागा वापस करके जैसे हमने फर्स्ट उस पर किया था, यहाँ बीच में से ऐसे निकालेंगे आप, इस तरीके से लेंगे धागा, ऐसे निकालेंगे, फिर इस फंदे में डालेंगे और फिर धागा करके ऐसे निकालेंगे। यानी कि हमने एक फंदे के 2 फंदे बना लिए और ये लास्ट वाला फंदा हमारा ऐसे ही बुनेंगे। अब पलट लीजिए आप, पहला फंदा तो ऐसे ही उतारेंगे। अब देखिए, ये जो है इसे हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो इसे आप इस तरीके से लीजिएगा ऐसे, और यहाँ से सिलाई डालिएगा और इसे उल्टा बुनिएगा। यानी कि फंदा यहाँ उल्टे साइड में हमने बढ़ा लिया। अब ये जो हमने फंदा बढ़ाया था इसे 2 का, दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है, फिर 2 सीधे, 1 और 1 2। अगेन धागा आगे करके 12 उल्टे, धागा अपनी तरफ करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब धागा वापस करके 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके, जो 2 बनाए थे उनको दोनों को 2 एक साथ हमें उल्टा बुनना है। जो 2 हमने बनाए थे एक फंदे के, उन्हें हमें दोनों को एक साथ बुनना है। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। ये देखिए, इस तरीके से अब इसी तरीके से हमें जो है ये बनाते जाना है, रिपीट करते जाना है। देखिए, एक साइड से बढ़ेगा और एक साइड से नहीं बढ़ेगा। ये फंदा आप उतार लीजिए, ये दिख रहा है आपको, इसमें से इस तरीके से सिलाई डालनी है आपने,
धागा लेना है, ये निकालना है, फिर इसके बीच में से डालना है आपने, ये देखिए, फिर धागा डालना है और निकालना है, धागा आगे करके दो उल्टे, ये दो उल्टे आपने किए। अब इसके बाद जो है हमें चार सीधे बुनने हैं, एक दो तीन और ये चार। अब ये जो फंदे आपको दिख रहे हैं, ये चार फंदे बेसिकली केवल आठ फंदों की है, तो ये चार फंदे हमें इन चार फंदों के पीछे जो है बनाने हैं, बुनने हैं, तो यानी कि ये चार फंदे हमें आगे लाने हैं। तो आप इनको इस तरीके से उतार के भी कर सकती हैं कि आपने ये उतार दिए आठ फंदे, और इन चार फंदों को तो आपने इस पे लिया, तीन चार ये लिया आपने, और इन चार फंदों को आपने इस वाले पे लिया, एक दो तीन और ये चार, और इस पे आपने इस तरीके से वापस लेकर फिर इन्हें बुन लिया। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ। तो ये देखिए इस तरीके से हुआ, दो उल्टे, धागा आगे करके अगेन इसमें से हमें इसे तो ऐसे इसमें से हमें बीच में से करके इस तरीके से लेना है ऐसे, और फिर इसमें से लेके यानी कि एक फंदे का दो फंदा बनाना है, और ये सीधा और ये सीधा। ये देखिए एक इस साइड से बढ़ रहा है, इस साइड से हम नहीं बढ़ा रहे हैं, एक इस साइड से हम बढ़ा रहे हैं इसे। तो फिर अगेन उल्टी लाइन में वही करना है, पहला फंदा उतार लीजिए, और उतारने के बाद जो है आप ये लेंगे इस तरीके से, फिर इसे लेंगे इस पे और इसे हम उल्टा बना लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे जो है उल्टे में फंदा बढ़ा लिया। अगेन उल्टा, इन दो फंदों का एक करेंगे उल्टे में, धागा आगे करके दो सीधे, धागा अपनी तरफ करके 12 उल्टे, ये 12 उल्टे हो गए, धागा वापस करके दो सीधे, अगेन धागा अपनी तरफ करके, ये जो दो हमने एक में से दो किए थे उन दोनों को, दोनों को उल्टे से दो का एक करना और ये उल्टा। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें इसे बनाते जाना है, तो ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा, इस साइड पे जो है ये बढ़ता जाएगा और इस साइड पे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये केबल बनाती जानी है अभी। तो देखिए इस तरीके से हो गया ये। अब नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए, तो अगेन वही पहला फंदा उतारेंगे, इसके बीच में इन दो फंदों के बीच में आप ऐसे डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे एक फंदा, और फिर इस फंदे को आप बुन देंगे, तो यानी कि एक के दो फंदे हो गए, धागा आगे करके दो उल्टे, धागा वापस करके 12 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। ये देखिए इस तरीके से धागा वापस करके दो उल्टे, धागा गेन आगे करके इन दोनों के बीच में से निकालिएगा ऐसे, और एक फंदे को बुन दीजिए, यानी कि एक के दो हो गए। अब ये तीन फंदे आप ऐसे ही बुनेंगे, ये देखिए इस तरीके से जो है ये इस साइड से बढ़ता हुआ जाएगा। अगेन उल्टी लाइन वैसे ही करनी है, ये आपने उतारा, यहाँ पे आपने बढ़ाना है, तो इसे उठा के ऐसे कर दिया आपने और इसे एक उल्टा बुना, अगेन एक दो और ये दो का एक किया, जो हमने एक के दो किए थे उन दोनों को उल्टे में दो का एक किया, दो सीधे और 12 उल्टे,
12 उल्टे, फिर अगेन 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके वो दो के दो का एक करना है उल्टे में और एक उल्टा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपने ये बनाते हुए जाना है। बेसिकली ये केबल बन रही है, साथ में यहाँ से बढ़ रहा है, इस साइड से जो है ये बढ़ रहा है। तो देखिए ना आगे नेक्स्ट लाइन पे अगेन वही करना है। ये उतारा आपने, ये दिख रहा है, इसके सेंटर में से डाला, ये निकाला और इसको बना दिया आपने, धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे। अब अगेन जो फर्स्ट लाइन में हमने किया था, हमें ये वाले चार फंदे जो है इस वाले के बाद में बुनने हैं। तो देखिए ये चार उतारे आपने, अगेन ये चार उतारे आपने। अब इन्हें आप पीछे से ले लीजिएगा, इन चारों को देखिए इस तरीके से इस वाली सिलाई पे, और इन चारों को ऐसे ले लीजिएगा ऐसे। और अब जो है इन्हें इस पे लेकर हमें बनाना है, एक दो, ये आठ फंदे हैं, तीन चार पांच छ सात और ये आठ, और ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा केबल जो है आपका। अगेन वही दो उल्टे, धागा आगे करके इन दोनों के सेंटर में से इस तरीके से करना है, ऐसे निकालना है, फिर इस फंदे को बुन लेना है और बाकी फंदे सीधे। अब हमें यही प्रोसीजर जो मैं कर रही हूँ उल्टी लाइन तक मैं दिखा देती हूँ, यही प्रोसीजर तब तक करना है जब तक हमारे इस साइड पे जो है 16 फंदे ना हो जाए टोटल में। तो देखिए कैसे, ये तो पहला फंदा आप उतारेंगे, ये 16 ऐसे होंगे कि ये हम जो एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ये फंदा हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, जो हम नीचे से ये उठा रहे हैं उसके बाद उसे उल्टा बुन रहे हैं, तो हम जो है ये फंदा जो है बढ़ा रहे हैं यहाँ पे एक 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 साइड पे। इसे उल्टे में बना लीजिए, देन अगेन एक दो तीन और ये तो दोनों का एक करना है, ये दो का तो हमें दो का एक करना है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं बट ध्यान रखिएगा इसका। अगेन 12 उल्टे, उल्टी सिलाई हमेशा वैसे ही करनी है जैसे मैं बताती आ रही हूँ अभी तक। दो फंदे सीधे और इन दोनों का तो दो का एक करना है हमेशा की तरह, और ये फंदा। तो देखिए अब ये जो मैं इस तरीके से केबल बना रही हूँ, अब आपने यही फर्स्ट लाइन से रिपीट करती जानी है। ये देखिए अब ये करते हुए मैंने यहाँ पे मेरे जो है 18 फंदे हो गए हैं। देखिए यहाँ पे दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, ये 18 फंदे हो गए हैं। अब देखिए कि अब मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। देखिए पहला फंदा तो इस तरीके से उतारा, वरना स्टार्टिंग के फंदे हमें वैसे ही बनाने जैसे मैं अभी तक बनाती आ रही हूँ। तरीके से आपने किया, ये देखिए दो उल्टे, अब अगेन धागा आगे करके ये सारे फंदे 12 के 12 हमें सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। देख लीजिए 12 फंदे, धागे आगे करके दो उल्टे किए और अगेन धागा वापस करके इस फंदे में से निकाला और ऐसे किया और इस फंदे को बुन दिया। इस तरीके से यहाँ तक हमें ऐसे ही करना है। देखिए ये जो फंदे हैं
ये 20 फंदे थे जो मैंने आपको बताए थे, 19 फंदे हो गए। इस तरीके से करना है। अब इन दोनों फंदों को हमें 2 का 1 करना है, यहाँ से ऐसे ये डाल लीजिए। ये देखिए 2 फंदों में से डालिए और इस तरीके से निकालिए। बाकी फंदे आपने ऐसे ही रहने देना है और इसे पलट लेना है आपने इस तरीके से। अगेन पहला फंदा आप उतारेंगे और ये वाला फंदा आपने वैसे ही बढ़ाना है जैसे हम बढ़ाते आ रहे थे। इस तरीके से उठा के आपने इसे ऐसे बनाया और ये 2 फंदों का 2 का 1 किया। ये 2 फंदों का जो है 2 का 1 करना है, 1 बढ़ा के, और 2 फंदे सीधे और बाकी फंदे उल्टे 12। और ये 2 फंदे फिर सीधे, अगेन धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का उल्टे में 1 करना है आपने और 1 फंदा उल्टा। मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे कि अब आपने इसी तरीके से करते जाना है। देखिए ये स्टार्टिंग वहाँ से हुई है जहाँ से हम यहाँ से कर रहे थे, बट इसके साथ साथ में हमें जो है ये 2 फंदे घटाते हुए जाना है इनके साथ। इसके साथ आपने ये 2 फंदे घटाते हुए जाना है, वो मैं अभी आपको सेकंड लाइन में बता दूंगी, फिर आपको ये लाइंस जो है रिपीट करनी है। ये नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम। देखिए नेक्स्ट लाइन किस तरीके से करनी है। अगेन पहला फंदा आप उतारेंगे, इसके सेंटर से डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसमें डालेंगे उसी फंदे में और उसे बना देंगे। 2 फंदे उल्टे, ये देखिए ये तो हमने स्ट्रेट बना था, अब हमें ये यहाँ से यहाँ करना है। तो फिर वही अगेन 8 फंदे मैं उतारूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे उतार लूँगी इस तरीके से। पहले पीछे के 4 फंदे इस वाली सिलाई पे चढ़ाऊँगी, 1 2 3 और ये देखिए 4, ये 4 फंदे मैंने इस पे ले लिए और ये आगे के 4 फंदे जो है मैंने इस पे लेने हैं। और ये फंदा ज़्यादा उतर गया, 1 फंदा यहाँ, ये देखिए पीछे के 4 फंदे राइट साइड वाली सिलाई में ले लिए मैंने और आगे के 4 फंदे इस सिलाई में ले रही हूँ मैं। अब इस वाली राइट के फंदे यहाँ पे वापस लूँगी क्योंकि ये मैंने बनाने हैं अभी 4 फंदे इस तरीके से और इन्हें बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए ये इस तरीके से आप इसे करते जाएंगे, हर 4 सिलाई में करना है और 2 सिलाई सीधी, यानी कि ये 6 सिलाइयों का ये जो डिज़ाइन है, केबल है, चुटिया कह लीजिए, जो इस तरीके से बन रही है। अब ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 2 फंदे उल्टे, अगेन वही सेंटर में से हम इस तरीके से निकालेंगे, ऐसे डालेंगे और इसे बना देंगे, 1 फंदा सीधा। अब देखिए आपने क्या करना है, जो ये फंदे हमने बिना बुने हुए छोड़े हैं, 1 फंदा इसका और 1 फंदा इसका, इस तरीके से हमने इन 2 फंदों के 2 का 1 करना है हर बार, जब तक कि ये फंदे ख़त्म नहीं हो जाते। और उल्टी साइड में तो आपने वही करना है कि पहला फंदा आप उतारेंगे, लीजिए उतार लीजिए क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वाला फंदा इस तरीके से उठाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है जैसे हम पहले भी करते आए हैं, और इसे आप उल्टे में बना देंगे और ये 1 उल्टा, देन अगेन 2 का 1 उल्टे में, धागा आगे करके 2 सीधा, 12 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, अगेन उल्टे में 2 का 1 जैसा अभी तक हम करते आए हैं, और 1
उल्टा। तो देखिए मैं आपको ये बताते जा रही हूँ कि इस तरीके से ही आएगा करना। यहाँ पे वैसे ही है जैसे हम नीचे से करते आए हैं, यहाँ पे भी वैसे ही बढ़ाना है। बस हमने करना क्या है कि इसका एक फंदा और इसका एक लास्ट का फंदा, दो का एक करते जाना है जब तक कि ये हमारे यहाँ पे पूरे फंदे खत्म नहीं हो जाते। और अगेन ये ऐसा बनेगा यहाँ पे, इसी तरीके से हमें तब तक करते जाना है जब तक यहाँ पे फिर 18 फंदे होंगे और ये सारे फंदे जो है हमारे बंद हो जाएंगे। इस तरीके से इसे हमें दोहराना है। देखिए इस तरीके से जो है ये हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे लास्ट फंदा बचा है जो मैं इसलिए छोड़ दिया कि आपको मैं बताऊं। बाकी ये देखिए मैंने एक एक दोनों साइड से फंदे लेकर इस तरीके से इसे बंद कर दिया। यहाँ का हिस्सा तो ऐसे ही चला है जैसे मैंने अभी तक इसे बनाया है। तो देखिए ये जो है सामने का वैसे ही बनाऊंगी इसे, एक फंदा बिना बुने हुए उतारा, ऐसे डाला, इसे निकाला और इस फंदे को आपने बुन दिया, दो फंदे उल्टे और ये चार फंदे उतारने हैं। बेसिकली आठ फंदे, चार ये और चार ये, पीछे के चार इस वाले पे डालूंगी क्योंकि ये हम केबल बना रहे हैं, और आगे के चार इस वाले में डाल के लेफ्ट साइड वाले में, और ये वाले इस पे इस तरीके से ले लूंगी। करना ये वाली पट्टी तो हमें एज इट इज सेम चलानी है जैसे मैंने पहले से आपको बताई है फर्स्ट लाइन से। ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। देखिए ये आठ की पट्टी इस तरफ कर ली। अब ये चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे और ये बीच में से इस दोनों फंदों के निकाल के इस तरीके से करके आपने इस फंदे को बुन देना है और बाकी फंदे प्लेन। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इस तरीके से ये पंद्रह और ये देखिए सोलह सत्रह और ये लास्ट का फंदा जो यहाँ का है, ये मैंने इसलिए रखा कि आपको मैं दिखा पाऊँ। ये दोनों फंदों को इस तरीके से एक करना है। तो देखिए ये हमारा जो यहाँ पे हमने ये फंदे बड़े थे ये हमने इस तरीके से यहाँ से बंद कर दिए। देखिए तो इस तरीके से बना। अगेन हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो अब हमें वही दोबारा शुरुआत करनी है जो हमने यहाँ पे किया था कि ये फंदे मैंने यहाँ तक बना के दो का एक करना है और यहाँ पे अगेन बढ़ाते हुए जाना है। फिर वही 18 फंदे जो है हमने बढ़ाने हैं और ये 18 फंदे हमने बंद करने हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये वाला तो बंद हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये किया वैसे ही हम यहाँ पे भी दोबारा करेंगे। जस्ट एक बार आपको बता देती हूँ, उसके बाद ये ऐसे ही हमने इसे बनाते जाना है। इसे तो आपने ऐसे ही किया इस तरीके से, दो फंदे उल्टे। अब हमने पहले ये किया था तो पहले के चार फंदे हमने सीधे बुनने हैं और इन आठ फंदों को हमें इधर से उधर करना है। तो देखिए ये आठ फंदे उतार देंगे, पीछे के आठ पहले बुनने हैं तो ये वाले आठ हम पीछे वाली सिलाई में चढ़ाएंगे और ये आगे वाली सिलाई में चार फंदे ले लेंगे और फिर इसे इसमें लेंगे और इसे बना देंगे। ये जो चोटी कह लीजिए, केबल कह लीजिए, बेसिकली चोटी ही बन रही है। देखिएगा चोटी की तरह लग रही है वो, इस तरीके से ये केबल बनती है। तो आप किसी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इसी में डालना है। ये आप जेंट स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ये देखिए ये बनता जा रहा है, दो उल्टे ऐसे किया आपने और इन दो फंदों का हमने दो का एक करना है। ये दो फंदे हमने दो के एक करने हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे ये फंदे छोड़ देने हैं और पलट लेना है। पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ पे आप बढ़ाएंगे यानी कि इस तरीके से उठा के आप उसे उल्टा बनाएंगे, इन दो फंदों का दो का एक कर देंगे।
गेन हम वही दोहरा रहे हैं, इसी तरीके से आपने जो है इसे बनाना है। बहुत इजी वे है बनाने का। 12 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, इन दो फंदों का दो का उल्टा किया आपने, दो का एक किया और एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे फिर शुरू हो गया बढ़ना। और ये दो फंदे यहाँ से एक फंदा लेंगे और इसका एक फंदा लेकर हम फिर से वही करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे कि इन्हें दोनों को लास्ट में दो का एक करेंगे इस तरीके से। और ये ऐसे बंद होता जाएगा जैसे ये हुआ है। देखिए इस तरीके से अभी हम इसे अब बनाते जाएंगे। चलिए देखिए ये इस तरीके से जो है छः बार मैंने इसे बना लिया। जैसे पहले एक ये था, एक ये, 3, 4, 5 और ये 6। तो छठी बार ये बनाने के बाद अब हमें इसे जो है बंद करना है। तो बेसिकली मैं ये टोपी बना रही हूँ जो ऊपर से यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से एग्जैक्टली शुरू होती है। तो आप देखिए इसे बंद कैसे करना है और इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि देखिए ये जो पट्टी मैंने रखी है, ये आप अगर मोटी ऊन से डालेंगे तो ये पट्टी ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो अभी जो नॉर्मली जो होता है वो 22 से 23 सेंटीमीटर जो है टोपी हमारी पूरी होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 23 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। 23 सेंटीमीटर का मतलब है 9 इंच, 9 इंच लंबी इस तरीके से होनी चाहिए तो ही हमारे जो है सिर पे आएगी ये टोपी। जो है मैं जनरल बता रही हूँ, ये किसी भी लड़की के भी और जेंट्स भी पहन सकते हैं इसे, लेडीज भी पहन सकती है, उस तरीके की ये कैप है। तो चलिए अब मैं इसे बताऊँ आपको कि देखिए मैंने ये जो है ये यहाँ तक 6 बार पूरा कर लिया। पहला ये बनाया था देखिए इस तरीके से, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और ये छठा है। तो देखिए इस तरीके से बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब आप ये देख लीजिए, अब हमें इसे बंद करते हुए जाना है। तो ये देखिए, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 हमें, आप अगर इसे ध्यान से देखेंगी तो यहां पे आपको ये देखिए एक फंदा दिख रहा है और ये दिख रहा है यहां पे आपको दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों को इस तरीके से लेना है आपने सिलाई पे और सिलाई डाल के 1, 2 और ये 3, तीनों में सिलाई डाल के आपको जो है उन तीनों को 3 का 1 करना है। अभी तीनों में नहीं डालिए, देखिए 1 इसमें डाली और दूसरा और ये तीसरा। इस तरीके से तीनों में डालने के बाद यहां से ऐसे लीजिएगा और तीनों को एक कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसे यहां से इस तरीके से पूरी तरह बंद करते हुए जाना है। तो देखिए क्या करना है आपने, ये जो एक एक फंदा यहाँ पे बिना बुने हुए उतारा है, तो एक एक फंदा, एक एक वो दिख रहा है हमें, ये इस तरीके से जो है ये आप लीजिएगा, ऐसे ऐसे लीजिएगा, साथ में ये लीजिएगा सेकंड नंबर का फंदा और एक और फंदा हमने यहां से लेना है। तो ये तीनों का जो है एक करना है। तीनों में डाल के इस तरीके से निकालना है। अगेन ये दिख रहा है यहां पे, देखिए ये लेना है, ये जो फंदा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसे लीजिएगा, ऐसे ये वाला फंदा एंड ये वाला फंदा, फिर तीनों को एक करना है। तीनों में सिलाई डाल के जो है हमने इस तरीके से बनाना है। ये देखिए ऐसे बंद होता जाएगा। ये इसी तरीके से सारे फंदे हमने उठाने हैं। ये फंदा दिख रहा है, ऐसे उठाया आपने, ये लिया, साथ में एक और इसका फंदा लिया, तो क्या होगा कि ये फंदे भी धीरे धीरे उसके साथ बंद होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने लिया और इसे बना दिया। ये देखिए
इस तरीके से हम यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये फंदे और बचे हैं और ये फंदे यहाँ पे है, तो इसी तरीके से हम करते जाएंगे। इसका एक उठाएंगे ऐसे करके, और फिर इन तीनों को जो है हम उसी तरीके से जैसे हम करते आए हैं वैसे ही कर देंगे। ये देखिए, ये फंदा उठाया, ये उठाया, ये और इसका ये वाला फंदा, तो इनको जो है हमने एक कर दिया। अगेन यहां से ये फंदा आपने लिया, ये लिया, इसका फंदा लिया, फिर तीनों को जो है एक कर दिया। देखिए लास्ट आ गए हम, और लास्ट में इसे इस तरीके से करके आपने ऐसे करना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये बंद हो गया प्रॉपरली। इस तरीके से ये टोपी का ऊपर का हिस्सा आपका जो है बन गया। देखिए अब हमें क्या करना है, अब जो आपको ये लाइनें दिख रही हैं, ये एक एक दिख रहा है, इनमें से हमें फंदे उठाने हैं। इसे आप ऐसे ही रखिएगा और एक एक फंदे ऐसे करके उठाने शुरू कीजिएगा। एक, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये दो, ये चेन्स आपको दिखेंगी, तीन, इन्हीं चेन्स में से आपने जो है फंदे उठाने हैं। एक एक चेन में एक एक फंदा आपका उठेगा। मेरे हिसाब से 100 फंदे के आसपास तक उठ जाने चाहिए यहाँ पे। 95 से लेकर 100 फंदे तक आपके हो जाने चाहिए। इस तरीके से जो है आपने इसे उठाना है। अभी मैं इसमें बेसिकली गोल है, तो मैं इसमें जो है वायर वाली करूंगी। और जिसके पास वायर वाली ना हो वो गले बुनने वाली सिलाई से कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताई है, गले बुनने वाली सिलाई इस तरीके से होती है। ये देखिए, जिसके पास, क्योंकि ये पूरा गोल बनेगा अब, तो इसलिए आपको इस तरीके से इसमें वायर वाली में लेंगे, और अगर वायर वाली में नहीं लेंगे तो आप ऐसे, आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके में फंदे उठा के उसे बना सकती हैं। ये देखिए गोल वाली वायर में अब मैं इसे डाल रही हूं। एक एक फंदा आपने उठाना है, ये जो चेन दिखती हैं इनमें से हमें एक एक फंदा लेना है डाल के इस तरीके से, ऐसे। ये चेन दिख रही है, इस चेन में से इस तरीके से लेना है ये चेन।
ये देखिए लास्ट है, और प्रॉपरली ऐसे करके जो आपको दो फंदे दिख रहे हैं, चेन दिख रही है बेसिकली, उसी में से लीजिएगा, अदरवाइज जो है सही से नहीं चढ़ेगा। ये देखिए इस तरीके से जो है ये चढ़ गया। अब आपने इसमें जो है इसका बॉर्डर बनाना है, अब वो आपकी मर्जी है, आप इसका सीधा सीधा बॉर्डर बनाइए। ये देखिए इस तरीके से जो है ये टोपी बन गई। अब कितना बड़ा करना है वो बेसिकली आपने देखना है। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि यहां से हम ऐसे देखते हैं, और अगर यहां से देख के हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारे जो सिर की टोपी होती है नॉर्मली 9 इंच होती है, 9 इंच होनी चाहिए। तो 9 से थोड़ी आगे पीछे वो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिसका जिस हिसाब से सर की लंबाई होती है। तो आप यहां से लेकर यहां तक, यानी कि अब मुझे जो ये बॉर्डर बनाना है, मुझे ये बॉर्डर यहां से लेकर ये 5 इंच है, 4 इंच का बॉर्डर बनाना है। देखिए तो इस तरीके से ये पूरी टोपी इतनी बन के तैयार हो जाएगी। अब बॉर्डर आपकी मर्जी है कि आप सीधा सीधा बनाइए, आप सीधा उल्टा बनाइए, आप 2 सीधे 2 उल्टे कीजिए, उस तरीके से आप इसका जो है बॉर्डर बना सकती है। तो देखिए इस तरीके से जो है ये आपकी टोपी तैयार हो जाएगी। तो अब आप इसका इससे जो है हमें बेसिकली 4 इंच का बॉर्डर बनाना है अभी, तो पहले बॉर्डर बना लेते हैं। तो अब ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको बॉर्डर कैसा बनाना है। तो देखिए ये टोपी जो है इस तरीके से मैंने इसके फंदे यहाँ से उठाए थे और इतना बड़ा बॉर्डर मैंने इसका बना लिया। और अब जो मैं है इसे बंद करने जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसकी जो है, आप कैसे भी बंद कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप बॉर्डर डालिए, आप सिंपल बंद कर दीजिए, मैं इस तरीके से बंद कर रही हूँ जो इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये देखिए ये फंदा है, आपने इस फंदे को यहाँ पे उतारना है। ऑलरेडी मैं बूटीज में बता चुकी हूँ आपको कि ये कैसे बंद करना है। इसे बनाना है, अगेन इस पे डालना है, इसी में से वापस डालना है, इस तरीके से निकालना है और इस पे डालना है। देखिए यानी कि एक फंदे के हमने 3 फंदे बना दिए, 2 एक्स्ट्रा कर दिए। अब आप इस फंदे को बुनेंगे, अगेन नेक्स्ट फंदे को बुनेंगे और इसे जो है इसके ऊपर से उतार देंगे, अगेन नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इस पे उतार देंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब ये 3रा फंदा हम बंद करेंगे, ये 4था फंदा हम बंद करेंगे और ये 5वां। इस तरीके से हम इसे पूरा बंद करते जाएंगे। अब ये 5वां फंदा आया है, इसी को आपने इस वाली सिलाई पे उतारना है और इसमें से 2 फंदे और एक्स्ट्रा बनाने। एक फंदा बनाया, इसे उतार दिया ऐसे करके, अगेन नेक्स्ट ऐसे किया, दूसरा फंदा बना दिया आपने ऐसे। अब इन 3 फंदों को पहले बंद करना है, एक बनाया, दूसरा बनाया और इसे जो है इसके ऊपर से उतार लिया, अगेन इसे बनाया, इसे उतार लिया। तो 2 फंदे हो गए, फिर ये लिया, 3 फंदे हो गए, फिर ये लिया, 4 फंदे और ये 5। आप रखने को ज़्यादा गैप भी रख सकती हैं, तो मैंने इस तरीके से इतने ही फंदों का गैप रख के ऐसे जो है इसे बंद किया है। तो सारा इसी तरीके से जो है हम इसे बंद करेंगे। तो आपकी इस तरीके से ये टोपी जो है आपकी प्रॉपरली तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से जो है ये टोपी जो है बनती है। तो देखिए ये टोपी जो है तैयार हो गई। तो अब आप इसे